अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अच्छा जी, अभी ये टाइम हो रहा था 10 बजे का, तो मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के 10 बजे का टाइम था, लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा कि सुबह के 10 बजे हैं, क्योंकि भाई सूरज मामा इतनी आबोताब के साथ चमक रहे होते हैं ना कि सुबह 10 बजे का भी ये टाइम है और हमारे पूरे शहर में धूप आ गई है। नहीं सूरज मामा, आपको कोई और शहर नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ मुल्तान मिल रहा है, जहाँ पे आप रोज गरज चमक के साथ जो है ना धूप बरसा देते और 48 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे ही आ रहा है। सूरज देवता, सूरज मामा जो आपका नाम है ना, अब आप कहीं और चले जाओ, किसी और शहर में बरस लो, हमें बख्श दो थोड़ा। बस कुछ देर पहले मैं उठी थी, मैंने अपने दांत साफ किए थे, जो एज यूजुअल सुबह की रूटीन होती है, फेस वॉश किया, रोज वाटर का स्प्रे किया, सन ब्लॉक लगाते हैं तो आप सन ब्लॉक लगा लीजिएगा, डे क्रीम जो आप यूज़ करते हो वो कर ले, और उसके बाद जो है ना, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, मैं एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, चाहे आप डाइट पर हैं या नहीं है, लेकिन सुबह उठ के ना एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पिया करें। वैसे तो मैं गर्मियों में नाश्ते में ना सिर्फ दही खाती हूँ या कभी कभार मिल्क शेक पी लेती हूँ, बाकी मैं दूसरी चीज़ें नहीं खाती। जब कभी मुझे भूख होती है ना, तब पराठे डबल रोटी वगैरह खा लेती हूँ, अदरवाइज नहीं। लेकिन आज मेरा ना चाय बिस्किट खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि मैं रोज़ दही खा रही थी कब से, तो बंदे का ना दिल उकता आ जाता है एक चीज़ खा खा के। और मोबाइल यूज़ करते करते ये देखे जी, ये टाइम हो गया 4:30 बज रहे थे। बस नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, नमाज़ पढ़ी और बस लेट कर मोबाइल यूज़ किया, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है ना, फिर जब आप एसी में बैठ जाते हो तो फिर कुछ और करने को दिल नहीं करता, तो दोपहर को मैं कोई काम नहीं करती, बस आराम करती हूँ। और उसके बाद इस टाइम जो है ना ठंडा जब टाइम हो जाता है, तब मैं किचन में आके खाना पकाती हूँ, तो इस वक्त वही जो मेरी रूटीन है, खाना पकाई थी और आज मैं बना रही थी मखनी चिकन कढ़ाई। आप फिर कहेंगे आज ये फिर किस चिकन बना रही है, मैंने कोई चिकन नहीं बनाना था आज, लेकिन मेरा बहुत टाइम से ना ये मखनी चिकन कढ़ाई खाने को दिल कर रहा था, या वाइट चिकन कढ़ाई कह लें, तो मैंने कहा आज मैं बना लेती हूँ, मुझे बड़ी टाइम से क्रेविंग हो रही थी, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा बना रही हूँ कि एक टाइम में ना सबको हो जाएगा। और बाकी जो भी इंग्रीडियंट्स होंगे ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने मेथड तो देख लिया होगा। मैंने चिकन लिया, उसमें प्याज ऐड की, बारीक काट के टमाटर डाले, नमक डालो, अदरक लहसुन को ना मैंने ज़्यादा पानी के साथ पीसा था, ताकि ना पानी बन जाए अदरक लहसुन का, और वो डालकर ना मैंने 10 मिनट को ढक दिया था। अब चिकन जो है वो 80% गल गई है, और टमाटर मैंने इसलिए साबुत डाले थे ताकि ना मैं इनका जो छिलका वो उतार लूं, अब आपने ठा 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 करके ना टमाटर की पिटाई कर देनी है, जैसे कभी कभार अम्मा जी को हम पे गुस्सा आ जाता है ना, और वो भी हमारी कभी इसी तरह से बचपन में करती होंगी पिटाई, तो वही वाला सीन है यहाँ टमाटरों के साथ भी। यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें गर्म मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर कुटी, लाल मिर्च, हल्दी, भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया, और ये मैंने इसमें दही ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और जो है ना मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड की थी, और बस इसे डाल के ना और मैं थोड़ा सा ना पका लूँगी, इतना कि जो दही का पानी है ना वो ड्राई हो जाए, साथ ही ना मैं फिर थोड़ी देर बाद ना इसमें ऑयल भी ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की है खूब, मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की थी भुनाई करते वक्त, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी डाला था, और खूब अच्छे से भून लिया, दही का पानी ड्राई हो गया, तेल ऊपर आ गया। अब लास्ट में मैंने इसमें 1/2 पैकेट क्रीम ऐड की है, और जब मैं क्रीम ऐड करती हूँ ना, तो मैं साथ में ना थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देती हूँ पिंच। आपने बाहर देखा होगा, जब आप वाइट कढ़ाई लेते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको वो दिख रहा होता है येलो येलो सो ऑयल, वो इसलिए दिखता है, वो हल्दी का रंग होता है, तो मैं थोड़ी वो ऐड करूँगी, हरा धनिया डालूंगी, मज़ीद भून लूँगी इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए, और मज़ेदार सी जो कढ़ाई है वो रेडी हो जाएगी। कढ़ाई तो मैंने रेडी कर दी थी, और इस वक्त जो है ना मेरे पेट में ना ज़ोर से चूहे दौड़ रहे थे, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ मैंने चाय बिस्किट खाए थे दोपहर को, मैंने और कुछ भी नहीं खाया था, तो फिर मुझे अभी बहुत भूख लग रही थी। अभी ना रोटियाँ आने में टाइम था, क्योंकि रोटी अब्बू ने लेकर आनी है, तो फिर मैंने कहा जब तक ना इसी चीज़ से गुजारा कर लेते, वो कहते ना डूबते को तिनके का सहारा, तो भूख के वक्त नहीं बिस्किट चिप्स भी डूबते हुए तिनके का सहारा ही होती हैं। और बस ये है था 8:30 बजे का टाइम था, और अब्बू जो है वो रोटियाँ, खमीरी रोटियाँ मैंने मंगवाई थी, वैसे तो नान भी इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मियों में ना नान थोड़े हैवी हो जाते हैं और ड्राई ड्राई से होते हैं, हलक में अड़ भी जाते हैं मेरे तो ना, पता नहीं, मैं जबकि नान आराम आराम से खाती हूँ, लेकिन मेरे फिर भी हलक में अड़ जाते हैं, तो फिर खमीरी रोटियाँ मंगवा ली थी, और ये मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई कह ले, मखनी कढ़ाई कह ले, जो बहुत लजीज है। इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही थी, रात के कोई 1:30 बजे का टाइम है, और मेरे मुँह में ना इसको देख कर ही पानी आ रहा है दोबारा से। फाइनली मैंने जो खाना था वो खा ली, और आज मैंने कोई 1.5 रोटी
खाई है। वैसे मैं पोनी रोटी खाती हूँ, पोनी अगर बहुत ज़्यादा भूख हो तो एक खाती हूँ, वरना मैं इससे ज़्यादा रोटी नहीं खाती, लेकिन आज मैंने पूरी डेढ़ खमीरी रोटी खाई है। आज मैंने ना दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था इसी वजह से, क्योंकि ना मैंने आज वाइट कढ़ाई बनाई है और साथ में मैंने फिर अब्बू को कहा था खमीरी रोटी ले आना, तो मैंने कहा मैं पेट भर के रज के वो नहीं होता इंसान नदीदा हो जाता है किसी एक चीज़ को लेकर, ऐसे ही मैं ना वाइट कढ़ाई वाइट ठंडी को लेकर ना नदीदी हो जाती हूँ। मेरा ना काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था वाइट हांडी या वाइट कढ़ाई खाने को, ना मैं काफ़ी टाइम से बनाने का सोच रही थी, लेकिन फिर वही ना नहीं बना पाती थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी में ना क्रीम वाली चीज़ खा लो तो और गर्मी लगती है, लेकिन अब मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी मैंने कहा आज तो मैं लाजमी बनाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो बस फिर मैंने आज बना लिया और बहुत 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 मज़े का बना था। इस वक्त जो मेरा पेट है ना टमी वो भर चुका है, मैंने बहुत खाया, बहुत बहुत मज़े का बना हुआ था। क्रीम वाले खाने होते हैं ना ये मेरे बहुत फेवरेट होते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं हर चीज़ में आप लोगों ने देखा हो तो मैं क्रीम डालती होती हूँ, चाहे एक चम्मच डालूँ दो चम्मच डालूँ लेकिन ज़रूर डालती हूँ, उससे ना टेक्स्चर बड़ा अच्छा हो जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना क्रीमी क्रीमी से सालन। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, बहुत से लोगों के लिए दाल जो दाल चावल होते हैं ना वो कम्फर्ट फूड होता है, लेकिन मेरे जैसों के लिए तो वाइट हांडी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। यानी मुझे मैं कभी रेस्टोरेंट में चली जाऊँ ना वहाँ पर भी जाके मैं वाइट हांडी लाजमी ऑर्डर करती हूँ, मुझे बहुत 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 अच्छा। जी ये जो टाइम है ना ये है रात के 9:30 बजे के बाद का टाइम है और ये व्लॉग थर्सडे का व्लॉग है और फ्राइडे को मुल्तान में पीटीआई का जलसा है, लास्ट जलसा है और शाम टाइम जलसा है, लेकिन अब आज रात से जहाँ पे जलसा है ना ये कासिम बाग स्टेडियम में किले वाली साइड पर जो है ना वहाँ पे जलसा है, लेकिन अभी से वहाँ पे तैयारियाँ जो है वो कंप्लीट हो गया, तो वहाँ पे अभी ही लोगों का इतना रश है जबकि अभी जलसा होने में 24 घंटे पड़े हैं, लेकिन लोग वहाँ पे अभी से मौजूद है, तो हमने कहा चलो हम भी दिखाते हैं कि कैसे हो रहे हैं ना। वैसे घर में फ्री बैठे थे तो हमने कहा चलो आउटिंग हो जाएंगी। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, हर बंदे की अपनी मर्जी है, आपको जो ठीक लगता है जो आपको अच्छा लगता है ना आप उसे जो है पसंद करें, और इसमें ना बिल्कुल भी बहस मत किया करो लड़कियों, इतनी जज्बाती मत हुआ करो, मैंने सोशल मीडिया पर देखा आपस में लड़ने लग जाती हैं, वो सिर्फ पॉलिटिशियन है, वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देंगे, तो उनके पीछे ना आपस में मत लड़ा करो, इतना लड़ने शड़ने की तो बात नहीं होती, पता नहीं लोग क्यों इतने जज्बाती हो जाते हैं, बस इंजॉय करें सब कुछ और बस अल्लाह ताला ना हमारे मुल्क को बस जो हुक्मरान अच्छा हो ना उस हुक्मरान से हमें नवाजे, आमीन, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त हालात जो है ना वो बहुत ख़राब है, बस अल्लाह ताला हम पर रहम करें, आमीन। और अगर आप मुझसे जो लोग पूछते हैं कि आप ही आप किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं, तो मैं इमरान खान को करती हूँ, मुझे इस वक्त सारे उसमें ना वो बेटर लगता है ना, बाकी आप लोग जिसे भी करते हैं आप लोग कर सकते हैं, हर इंसान की अपनी मर्जी है। और यहाँ पे ये देखे जी जलसे की जगह पर हम पहुँच गए थे, वही मैंने आपको पहले कहा ना यहाँ पे कोई इतनी ट्रैफिक जाम है ना अभी 24 घंटे रहते हैं जलसा स्टार्ट होने में, लेकिन आवाम अभी से मौजूद है यहाँ पे। Ooh.
और बस अभी तो ना तैयारियां हो रही थी, अभी तो वो स्टेज बना रहे थे लेकिन लोग अभी से आ गए थे, तो फिर ना वो लोगों को हटा रहे थे क्योंकि अभी ना तैयारियां थोड़ी रहती थी, अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। और बस यहाँ पे जो मेरी बहन है ना वो ये फ्लैग वगैरह जो है वो खरीद रही है कल के लिए ना। और उसके बाद ना तेज़ हवा भी चलने लगी थी, आंधी ना जो मिट्टी का तूफान था ना वो आ रहा था, तो फिर हम लोग वहाँ से निकल आए थे। और उसके बाद ना बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, गर्मियों में प्यास नहीं ज़्यादा लगती और कुछ भी नहीं लगता है, तो यहाँ पर हम लोग आए थे लिमका पीने। ये एप्पल लिमका है और ये बहुत मज़े का है, बहुत 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 मज़े का है। और अब मेरे हस्बैंड जब आएंगे ना उन्हें मैं ये लाजमी पिलाऊंगी क्योंकि उन्हें लिमका बड़ा पसंद है, और स्पेशली इस मिट्टी के मटकों में ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। लास्ट टाइम जब वो आए थे ना हमने बहुत ज़्यादा लिमके पिए थे कि कहीं का हमें अच्छा लग जाए, लेकिन ये वाला जो लिमका था ना जो मैंने आज पिया तो कमाल था। और बस उसके बाद जो मैं आ गई थी घर, और घर आके ना मैं अपने ले रही थी सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर ने मुझे दिए, कुछ सप्लीमेंट्स ना डॉक्टर ने मुझे दिए थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, बस वही मैं ले रही हूँ। व्लॉग को यहीं पर एंड करते, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, और पानी पी लीजिए, कब से मेरा व्लॉग देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।